अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बशर और आप देख रहे हैं एम बशर लेक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने जो फ्लोट लेवल स्विच है उसकी जो वायरिंग डायग्राम थी उसको टच किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल व्यू जो है वो देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये इसका कवर है और ये इसके कनेक्शन हैं। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लें, उससे आपको बेहतर रहनुमाई जो उसकी वायरिंग डायग्राम है उससे मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका कवर है जो ऐसे ऊपर होता है और इसको हम उतार लिया है। और इसके ये दो तारें, इसके कनेक्शन ये दो टर्मिनल हैं, ये जो दो तारें हैं ये इनके कनेक्शंस हैं। और इसके नीचे ये जो वेट लगे हुए होते हैं, और ये देखें आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जब वाटर लेवल ऊपर आता है तो ये जो वेट हैं ये ऊपर आ जाते हैं और फ्लोट लेवल स्विच जो है वो बंद हो, मोटर को बंद करवा देता है। ये जो पॉइंट हैं ये ओपन हो जाते हैं। इसी तरह जब ये पानी का लेवल कम होता है तो ये डाउन होते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो दो पॉइंट हैं इसमें सिर्फ हमने फेज़ गुजारा हुआ है। ये जो फेज़ है हम इन दोनों पॉइंट्स में से देंगे और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट मोटर तक पहुंच जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ फेज़ हमने इन दोनों पॉइंट्स में से गुजारा है। जब ये जो डोरी है, ये जो पानी का लेवल कम होता है तो ये ऐसे इसे नीचे को खींचती है, जिससे हमारी मोटर जो है वो ऑपरेट हो जाती है और ये पॉइंट क्लोज़ हो जाते हैं और हमारी मोटर चल जाती है। और इसी तरह जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो ये ऊपर हमें जो पॉइंट हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिससे ये हमारी मोटर है वो बंद हो जाती है। इसी तरह आप इनकी जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनकी जो वेट की सेटिंग्स होती हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये फ्लोट लेवल स्विच सिंपली हमने इसमें से फेज़ गुजारा हुआ है। जो मोटर की जो दो तारे हैं उनमें एक न्यूट्रल है वो डायरेक्ट चली जाएगी और जो फेज़ है वो इन दोनों पॉइंट्स में से पहले इन में होगा और फिर आउट से होकर के मोटर में चला जाएगा और ये हमारी मोटर जो है वो ऑन करवा देगा। ये बेसिकली एक सेंसर के तौर पर काम करता है। जैसे जैसे पानी का लेवल डाउन होता है ये दोनों पॉइंट शार्ट हो जाते हैं, जिससे मोटर को फेज़ चला जाता है और मोटर ऑन हो जाती है। और इसी तरह ये अप, जब पानी का लेवल अप होता है, ये जब भर जाती है तो ये इन पॉइंट्स को ओपन कर देता है, जिससे हमारी मोटर जो है वो बंद हो जाती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया।